हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एमएससी थर्ड सेमेस्टर के हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी गाइस, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके जाते हैं एग्जाम में तो आपका काफ़ी अच्छा पर्सन बनेगा गाइस, ठीक है। और इसमें से 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाएगा इन क्वेश्चन को। और इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, ठीक है। तो आप और नोट्स कंप्लीट करने में भी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन प्रेस कर दिया करें, ठीक है। और नोट्स को भी कंप्लीट करने में मैं रात के 2-2 बजे तक कंप्लीट करती हूँ आप लोगों के लिए नोट्स। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी हेल्प कर दिया करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्लिक बस करना होता है आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब लोग वीडियोस देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं आपके लिए हेल्प कर रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है सब्सक्राइबर से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको, उसके बाद में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ यूनिट 1 है, नोमेन क्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकल्स। तो इसमें मैंने, अगर ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, ये यूनिट है ये आपके सिलेबस में, तो उसके आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। फर्स्ट है डिस्कस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सॉरी डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ रिफरेंस टू बॉन्ड लेंथ एंड रिंग करेंट इफेक्ट। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर में मैंने क्वेश्चन 8 किया है, डाउन द हेंटेज विल्डमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम टू मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। थर्ड नंबर का है रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी एट डिफरेंट पोजिशन इन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फोर्थ नंबर में है वाई पेरोल इज मोर एरोमेटिक द फ्यूरेन। सेकेंड नंबर में एम्पेरिकल रिजोनेंस एनर्जी। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूनिट सेकेंड है नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एनोमेरिक इफेक्ट ऑफ सेचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स। सेकेंड नंबर में है एक्सप्लेन अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन थ स्पेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। थर्ड नंबर में है केमिस्ट्री ऑफ साइक्लाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ नंबर में कन्फर्मेशन ऑफ सिक्स मेम्ब्रेन हाइड्रोसाइकल्स विथ रिफरेंस टू, फर्स्ट है इसका शेप ऑफ रिंग। सेकेंड नंबर में बैरियर टू रिंग इन्वर्जन। थर्ड नंबर में है 1-3 डैक्सियल इंट्रेक्शन, ठीक है। तो इनको आपको कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन में, सिक्स मेंबर हाइड्रोसाइकल में, ठीक है। फाइव नंबर का क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको, एनोमेरिक इफेक्ट, डबल एनोमेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 3-हाइड्रोक्सी प्रिपरेशन। तो आगे देखते हैं, यूनिट थर्ड में देखेंगे स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ बेंजो पिरोल। सेकेंड नंबर में द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द थायरेन एंड ऑक्सीटेन। थर्ड नंबर का है यहाँ पे फर्स्ट थर्ड नंबर में ये इस तरह से आते हैं क्वेश्चन, ये आप देखेंगे। ये देखिएगा इस तरह से आते हैं, ठीक है, कि ये आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरिन। तो ये इस तरह से हैं, ठीक है, ये तीन दे दिए जाएंगे और इस तीनों के बारे में आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरिन, फिर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोथियोफेन, और फिर रेडोक्सिन रिएक्शन ऑफ इंडोल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखेंगे यूनिट 4 मेजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन एंड केमिस्ट्री ऑफ मेजो आयनिक कंपाउंड। फिर सेकेंड नंबर का है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएजिन ऑक्सीपिन। थर्ड नंबर में है रिएक्ट थर्ड नंबर में ए नंबर का है रिएक्शन ऑफ पेरिलियम साल्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक रिगेंट। बी नंबर का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ पेरामिडिन। सी नंबर का स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ डिफरेंट आइसोमर ऑफ ट्राइजिन। डी नंबर का है स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ थाइजे पाइनेस। ई नंबर का है राइट प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ पॉलिन पॉलीरोन पीरोन सॉरी।
फिर है यूनिट 5 का हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम कॉन्टेनिंग बी ए एस एस बी एंड बी। इसका फर्स्ट है क्वेश्चन, द केमिस्ट्री ऑफ 5 एंड 6 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग बोरॉन। क्वेश्चन सेकेंड नंबर है प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन देनी है आपको, फॉस्फोरिन, अर्सेनी डोल, अर्सा बेंजिन, ठीक है, इनकी आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो सॉरी प्रिपरेशन लिखनी है और रिएक्शन देनी है। स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड यूजेस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ बोरॉन मोस्ट टाइम टॉपिक है ये, केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ एस बी। डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ फॉस्फोरिन, फॉस्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो यूनिट 1 में है डेवा रिजोनेंस एनर्जी, मोस्ट टाइम टॉपिक है टाइटोमेरिजेशन एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ एग्जाम्पल। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है रिंग एक्यूरेंट इफेक्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट इन एच एन एम आर स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक साइकिल्स। यूनिट 2 है 1-3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इन द 6 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक। सेकेंड नंबर में एक्स एग्जाम्पल ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर में पैरामिडल इन्वर्जन। फोर है कॉन्सिक्यूरेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स। यूनिट 3 है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजोफ्यूरिन। सेकेंड नंबर का है रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ ऑक्सीटेरेन, ये भी मोस्ट टाइम भी है। थर्ड नंबर में रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरिन है हेलोजन, सॉरी हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। फोर नंबर का है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीटेन्स। फाइव नंबर में मेडिसिन एप्लीकेशन ऑफ बेंजो पीरोड। आगे है यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर अपो स्ट्रक्चर बनाना है इसका, पेरोनेस और क्रोमोनेस। सेकेंड सी नंबर का इसी में कोमेरिन्स और आइसो कोमेरिन, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ क्यूनो जिलीनियम साल्ट। फिर यूनिट 5 देखेंगे, यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट फॉस्फोल और अरसा बेंजीन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फिल। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ आर्सेनिक। फाइव नंबर का क्वेश्चन है केमिस्ट्री ऑफ 5 एंड 6 मेम्ब्रेन फॉस्फिन। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है केमिस्ट्री ऑफ बोरे बेंजीन। तो यहाँ पे जो है मैंने सब सारी सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमें एग्जाम में 100% आएंगे का हिस्ट्री के इनवेस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाइएगा और चैनल पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।